रहने वाले सिवान जिला के है ना? सिवान के रहने वाले। अच्छा, उसी थाने के ना? बस बड़हरिया थाना के हैं। बड़हरिया थाना बस। आप वो हम अपना सर से बोला कि जाने दो इसको, अरे ना नहीं जाएगी, लेके जाना है तो टटा जाओ। ये 33 साल बाद अपने गांव आए हैं, इनके घर वाले भी उम्मीद छोड़ दिए थे। इस शख्स से 33 साल बाद इस व्यक्ति को अपने घर पे लाए हैं। ये 33 साल बाद यानी अपने घर से चले गए, प्रोवाइड किए, कौन खर्चा किया है? खर्चा हम भी अपने तरफ से लगाए हैं और कुछ लोगों से चंदा लेकर हमने एकत्रित करके और इनको यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया। अच्छा, वहाँ पर मतलब चंदा भी वहाँ पर रुक दिए? जी 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 जी। बहुत खुशी है। मंदिर में जाके बोल जाए, पूजारी से बोलेंगे हमारे कुछ खाना खिया, भोजन करो। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाए, जहाँ आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप टू 9। विजिट टुडे लौवा नियर करबल्ला बाजार बरेड़िया सिवान। जी नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे चैनल में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। मैं हूं अभी शेखपुरा में यानी बहड़िया से 5-6 किलोमीटर गोपालगंज वाला रोड में आइएगा तो शेखपुरा गांव है। देखिए, ये एक व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे और स्क्रीन पे आपको विजुअल भी दिखाई दे रहा होगा। ये 33 साल बाद अपने गाँव आए हैं, इनके घर वाले भी उम्मीद छोड़ दिए थे। एक देखिए नौजवान चेहरा मुस्कुराता हुआ यहाँ पे बगल में बैठा हुआ है। अगर बात मान ली जाए तो भगवान से किसी को तुलना नहीं किया जाता है, लेकिन ये शख्स भगवा कलर के गमछे उड़े हुए हैं और शायद इनको भगवान की तरह यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि ये वही शख्स हैं 33 साल बाद इस व्यक्ति को अपने घर पे लाए हैं। ये 33 साल बाद यानी अपने घर से चले गए थे, दिमागी संतुलन इनका बिगड़ गया था। और एक मरतबा दिखा दीजिए कैमरा उठाकर, तमाम गांव वालों का हुजूम लगा हुआ है, क्योंकि गांव वाले टोटल लोग ये उम्मीद छोड़ दिए थे कि अब ये गांव वापस लौट कर भी आएंगे। और ये शायद संघ से बिलोंग करते हैं, आरएसएस से बिलोंग करते थे, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। और बींग ह्यूमैनिटी, अगर इंसानियत की बात की जाए तो यही भारत की खूबसूरती है कि इंसानियत हर जगह झलकती है। ये वही व्यक्ति हैं जो कि 33 साल बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, यानी अपना गिरिजी नाम बता रहे थे, लेकिन फिर जब टोटल वेरीफाई किए ये तो बताया कि नहीं, एक मुस्लिम शख्स से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। और मुस्लिम समाज देखते हुए भी ये व्यक्ति जो कि गुजरात से चलकर और अपना टिकट करा कर ये इनके गाँव में लेकर आए हैं। इनकी बहन भी हैं और ये हैं। कैसे मुलाकात हो गया इनसे आपको? नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सनीप्रीत त्रिपाठी। मेरी मुलाकात इनसे एक मंदिर पर हुआ, जो ये काफ़ी जख्मी थे और काफ़ी ये परेशान थे, तो हमने इनसे वार्तालाप किया और पूछताछ करने किया। फिर इनको हम तुरंत 108 पे फ़ोन करके इनको एम्बुलेंस गए, एम्बुलेंस में अस्पताल ले गए, वहाँ पर इलाज कराए। इलाज कराने के बाद फिर क्या बोलते हैं, इनका सही से जांच पड़ताल किया गया। तो पहले जांच पड़ताल में कोई इनका अता पता नहीं चला। गाँव के मुखिया जिनका ये नाम ले रहे थे भोलागिरी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और सुभाष पाठक और ऐसे कुछ लोगों का नाम ले रहे थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर बाद में हमने दोबारा सर्व इनका बारे में जानकारी लिया, तो इन्होंने इनके मित्र का नाम लिया, तो एक का नाम शेख मोहम्मद बता रहे थे और एक और व्यक्ति का नाम बता रहे थे। फिर उसके बाद हमने मुखिया से बातचीत किया, तो मुखिया जी कहते हैं, हाँ कैसे मिला आपको नंबर? कैसे नंबर मिला? जब हम मुखिया जी से बात किए तो मुखिया जी क्या बोलते हैं, नंबर दिए इनके भतीजे का। मुखिया जी का नंबर कैसे प्राप्त हुआ आपको? मुखिया जी का नंबर हम थाने पे फोन किए, थाने पे फ़ोन करने, थाना वाले थाने से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। फिर हमने सिवान एसडीएम ऑफिस फ़ोन किया, वहाँ से एक भाई साहब ने एक नंबर दिया, उनसे नंबर लेकर फिर हमने मुखिया जी से नंबर मांगा। मुखिया जी, उन्होंने मेरा मुखिया जी ने नंबर दिया और मुखिया जी से बात हुई, फिर इनसे बात हो गई। इनसे बात हुई जी। तो जो आप जो इनको लाए हैं, तो भी खर्चा कहाँ से, आप ही प्रोवाइड किए, कौन खर्चा किया है? खर्चा हम भी अपने तरफ से लगाए हैं और कुछ लोगों से चंदा लेकर हमने एकत्रित करके और इनको यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया। अच्छा, वहाँ पर मतलब चंदा भी वहाँ पर रुक दिए? जी 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 जी। अच्छा, आपको मालूम था कि मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं? पहले हमको नहीं था, वहाँ पर किसी को भी नहीं भनकता कि ये मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन जब हम जाँच पड़ताल किए तो हम वहाँ पर लोगों को बताइए मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। और आप आरएसएस से बिलोंग करते थे, यानी कार्यकर्ता है उसका? मैं आरएसएस कार्यकर्ता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी कार्य किया हूं और हिंदू युवा संगठन जैसे राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उनके शहर संगठन में कार्यकर्ता रहता हूं। यहां के लोगों से मिलकर कैसा लगा आपको जब लेकर? यहां के लोगों से मिलकर हमें काफी अच्छा लगा और लोग हमारा काफी स्वागत किया। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद, और सिवान वासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और मैं ये एक मेरा संदेश है, ये जो देश विरोधी के जो नारे लगाते हैं और जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये कुछ कुछ जो यहाँ पे विवादित बयान दे रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि ये देखिए, इसे कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, इसे कहते हैं सामाजिक कार्य।
विवादित टिप्पणी और जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग में जो अन्य विरोधी के जो नारे लगाते रहते हैं, तमाम नारे लगाते रहते हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा, देखिए ये है सामाजिक कार्य और ये है समाज को लेकर चलना। अभी भी हम एक दूसरे का सहयोग करें और हमें मिलकर चलना एक साथ। चलिए क्या लगे हम रुवाई के बहन? आप बहन हैं? मैं बड़ बहन सिवान, सिवान में रहती हैं, मोहल्ला सिवान। अच्छा, कितने दिन पहले ये गुम हुए थे घर से? 30 साल पहले गायब हुआ था। 30-33 साल पहले गुम हुए थे। क्या हुआ था उस समय इनका? इसको टाटा रहे थे, ठीक रहे टाटा रहे थे, तो दो दिन काम किया था, उसे बोला कि हमको दिमाग में का हो गया, वहाँ से हमको बहका के ले चला गया इसे। ओकरा पास सिख पत्ते नहीं चला, कहाँ का खोजा गया कहीं पता नहीं चला। घर के लोग पूरा उम्मीद छोड़ दिए थे? पूरा खोजा गया, पूरा खोजा गया। शादी दो शादी हुआ था, पहली औरत मर गया है, तीसरी औरत जाकर सर ब्याह शादी कर लिया। पाल बच्चा है? हाँ, दो लड़की था, तीन ठूटा एक लड़की, एक लड़की मर गया, दो थोड़ी है। ये सिवान नई किलम किए हैं, एगो तेतहरी में किए हैं। हाँ, दो लड़की हैं। हाँ, दो लड़की हैं। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं कि जैसा उम्मीद छोड़ देता, अब शायद ये मर गए हैं, अब छोड़ दिया जाए, कुछ फाते वगैरह कुछ तो भाई का? अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है, नहीं उम्मीद छोड़ दिया। सब्र कर बैठे हम लोग, सब्र कर ली हम लोग, पूरा बहुत खुजा गया, सब हुआ तभी सब कराए हम लोग, कोई पता नहीं चला इसको, दुआ तभी सब कराए, सब कहीं पता नहीं चला। लोग कहे बोला बोली बोला कहे कि मर गया मर गया। अच्छा, इतना दिन के बाद देख के भाई की कैसा लगा था? बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, करे जब छोड़ फुलाइल बाबू आ गए। अच्छा अच्छा, मतलब उम्मीद नहीं था। अभी पहचान रहे हैं सब लोगों को आप? बहन को पहचान रहे हैं, सबको पहचान रहे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, बहन लोग सबको पहचान रहे हैं? बहुत बड़ी बहन है, बहन को पहचान रहा हूँ। अच्छा, बेटी लोग को पहचान जाएंगे आप? हाँ, बेटी की तो पहचाना हमने, एक को पहचाना, एक बड़ी वाली मेरे को नहीं, मेरे घर पे हो गई कहीं। अच्छा, घर पे चली गई है। अच्छा, आप इन्हें से क्या कर रहे थे वहाँ पे? मतलब आपको दिमाग ये नहीं था क्या मजा? देखिए, हम घर से गए, कुछ मेरे घर के कहानी हमारे बड़े भैया थे, आपसे बताए थे? हाँ, बताए। मेरे पापा थे, कुछ इन लोगों का लाइन खराब था, तो हम गए थे जो है कि हमारा तो पहली वाली बीबी ऑफ हो चुकी थी, हम दूसरे वाले बीबी को लाने गए थे जो है कि ये शेखपुरा एक और गांव है, ये हमारा शेखपुरा नहीं है, वो ससुर वाला आम शेखपुरा। तो हम अपना सास बोला कि जाने दो इसको, अरे ना ना नहीं जाएगी, लेके जाना है तो टटा जाओ, भोजपुरी में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ? जैसे बोलिए आप। हाँ, लेके जाएगा, बोला टाटा लेके जाए साथ में, लेकिन हम वहाँ से पूरा ना भेजे। करीबन तीन बार बोला, तीन बार बोल नहीं, तीन बार बोलने के बाद फिर भी बोले कि ना ये ना जाए, लेके जाएगा, बोला टाटा लेके जाए। उनके हम कौन रहा, कौन सा सर्विस है, कौन परमानेंट नौकरी है कि हम ले जाके बैठा दे अगर एक जे बाकी काय कहीं जाए तो काम तो करे के पड़ी ना। फिर भी अपन हम ससुर के इंतजार करत रहने, ससुर अल तो हम ससुर से बोलने की ससुर अब उंगरा के पिताजी बोले या बाबा बोले, हम बोले कि एक जाए नहीं हमारे साथ में, काहे को हम जाए टाटा हम रहे वाला नहीं खींचे जीव, काहे कि यहाँ बैठ ले को अच्छा नहीं लगा। तो सर, आप कहाँ रहे इतना दिन? मतलब क्या कोई काम कर रहे थे? कोई काम नहीं कर रहे थे हम यहाँ से, मतलब कमाए खाए के, मतलब कोई देता है कुछ खाने में, कहीं खा लेते थे बस, भटक दे कोई मंदिर पर जाए, मंदिर पर खाना मिले, यही ना कि हम जगह रहू जाते नहीं, हमारा भूख लगल हमारे खाना के ना। मंदिर पे थे आप? मंदिर में जाके बैठ जाए, पुजारी से बोले हमारे कुछ खाना खिया, भोजन करो। एक बात और जानने को मिली थी, जैसे कि इनसे हमने जब बातचीत किया तो इन्होंने कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट थ्रू यहाँ पे काम करने आया था, तो कॉन्ट्रैक्ट थ्रू मुंद्रा में काम करते थे, तब उनका वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ के लोगों से मैंने जानकारी लिया, तो ये बाबा खड़े होके चल नहीं पाते थे, खड़े होके चल नहीं पाते थे पैर पर, अभी भी पैर उनका क्या बोलते हैं डैमेज है, और हाथ भी इनका काम नहीं करता है, फ्रैक्चर ही है। तो हमने बोला कि उस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर या नाम कुछ भी पता है तो बताइए, मैं उसका उसके पते भी मैं जांच पड़ताल करूँगा, कार्रवाई करूँगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं।
तो एक और ये भी सूचना मिली थी। अरमान भैया तो चलिए कैसा लगा था सब लोग से मिले गांव के लोग अरमान गांव के लोग से मिल के कैसा लगा था अरमान पानी ले जाओ हमारा तो गांव का तो हमारा तो बस हम जैसे पहले रहने वैसे अभी जुदा नहीं अभी जो सबके बुझे अच्छा लगा तो अभी जो रहे में हम सब बात इनकरा के बता दे बने कि हाँ हमारे नाम बता दीजिए मतलब हमारा नाम मुलाजिम मियाँ हमारा बाप के नाम पूछे महमुद्दीन मियाँ दादा के नाम हमारा अरजानी मियाँ हमारा एगो चाचा जो बाकी सुबराती मियाँ एगो चाचा सदीक मियाँ चिंता नहीं है क्या बोला है पहले आप लोग से यही ना बोला है कि यार मेरा दोस्त है दोस्त इतना दिन के बाद मिले हैं तो कैसा लग रहा है दोस्त से बहुत अच्छा साल के बाद बहुत अच्छा यार खास यार है आपकी ये बिछड़े थे तो उस समय बहुत बुझाया होगा आपको बुझाया नहीं अच्छा बचपन के दोस्त हैं आपके हिंदू मुस्लिम की एकता की बात की जाती है लेकिन आज साक्ष्य देखने को मिल रहा है बड़हरिया में क्या कहेंगे उस व्यक्ति को जो व्यक्ति लेकर आए हैं देखिए सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे पुनीत कार्य करके संगठन अपने मतलब साथ साथ संगठन का भी मान सम्मान बढ़ाने का उन्होंने काम किया है क्योंकि गुजरात से चल करके वो बड़हरिया में सारा इतना मतलब इज्जत सामान के साथ उनको रिजर्वेशन करा करके लेके आए हैं तो धन्यवाद का पात्र हैं। और दूसरी बात वैसे लोग के मुंह पे वो स्वयं बता रहे थे कि वैसे लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो हिंदू संगठन को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए टारगेट करते हैं बार बार कह देते हैं कि हिंदुत्ववादी हिंदू आतंकवादी भगवा आतंकवादी ऐसे 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 शब्दों का ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आज उनको देखना चाहिए कि एक आरएसएस और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी उन्होंने एक मुस्लिम परिवार को वहाँ पे अपने एकदम मान सम्मान किया मतलब उनकी इलाज करवाया उन्होंने सेवा किया स्नान उस्नान व्यवस्थित कर करके उनको पुनः घर वापस लाया तो आज ये संगठन के लिए भी बहुत एक गर्व का विषय है और उनको हम लोग यहाँ के जितने भी सिवान के कार्यकर्ता हैं सभी लोगों ने स्वागत किया और अपना अपना धन्यवाद व्यक्त किया। रंजन सिंह बजरंग दल जिला संयोजक सिवान क्या कहेंगे आप ही के क्षेत्र के हैं खुशी भी महसूस हो रही चुकी है। देखिए ये सूचना हमको 5 दिन पहले मिला था जो मित्र जो लेके आए हैं गुजरात से उनके द्वारा हमको फ़ोन आया था कहीं से मेरा नेट पर ऐसे मेरा नंबर है उन्होंने फ़ोन किया कि परमेश्वर जी आपके क्षेत्र में से पूरा गाँव है हमला है मेरे गाँव के बगल में ही है तो ये हिंदू नाम बता रहे हैं सुभाष गिरी आप पिता का नाम भोला गिरी हमने पूरा पंचायत में पता किया ऐसा कोई नाम के आदमी व्यक्ति नहीं मिले हमने श्रीमान को बोला कि नहीं ऐसा कोई व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं है फिर इन्होंने जांच किया फिर परसों हमको फ़ोन किया कि नहीं परमेश्वर जी ये आज़ाद शेख नाम बता रहे हैं उनके अगल बगल के कोई आज़ाद शेख है शेखपुरा के ही हैं ये फिर हम मुखिया जी हमको फ़ोन किए यहाँ संजय मुखिया हमारे हैं वो फ़ोन किए कि पता लग गया है अपने पंचायत के हैं हमने ठीक है भाई अपने पंचायत के उनको लाया जाए तो श्रीमान जी जब वहाँ से गुजरात से चले तो हमको फ़ोन किए कि हम गुजरात से चल दिए हैं आप लोग वहाँ रहिएगा हमने ठीक है हम रहेंगे स्वागत में भाई हम तो गर्व हो रहा है कि हमारे पंचायत के एक बुजुर्ग आज 30 साल पूर्व में कहीं खो गए हैं आज मिले हैं तो हमें भी गर्व होता है चाहे जाति कोई भी हो धर्म कोई भी हो ये हमारा कर्तव्य है हम समाज सेवक हैं समाज के सेवा के लिए कोई जाति और धर्म नहीं होता है हम किसी को मदद करते हैं तो जाति या धर्म देख करके नहीं करते हैं हम लोग बाढ़ पीड़ित में आप लोगों को देखने को मिला होगा बाढ़ में क्या हिंदू मुस्लिम देख कर मदद किया गया था लॉकडाउन थी कोरोना काल में हम लोग हिंदू मुस्लिम देखकर मदद किए थे नहीं हम जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बजरंग दल हिंदुत्ववादी काम करता है मुस्लिम विरोधी काम करता है उनका सोच गलत है उनका मानसिकता गलत है एक बार हमारे जैसे कार्य करके देखें उनको पता चल जाएगा कि कौन विरोधी कौन क्या करता है। मेरा नाम परमेश्वर कुमार विश्व हिंदू परिषद जिला सहमंत्री सिवान।